S is a set of 5-digit numbers formed using the natural numbers between 2 and 8 exactly once. How many numbers are divisible by 11? ठीक है. Between 2 and 8 का मतलब चल हो गया 3, 4, 5, 6, 7. पांच ही नंबर हैं. There are 5 numbers. You need to make 5-digit number. कोई दिक्कत नहीं है. Should be multiple of 11. So what is the divisibility rule of 11? This plus this plus this. And this plus this. इनका डिफरेंस शुड बी जीरो और मल्टीपल ऑफ 11. सो इफ आई से इन तीनों का सम ए आता है, इन दोनों का सम बी आता है, तो ए माइनस बी शुड बी 0, 11, 22, ऐसा कुछ होने वाला है. अच्छा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इट्स बेटर टू कैलकुलेट कि भाई ये तो हमको पता है कि ए माइनस बी तो हम यही आएगा. सो ए प्लस बी भी निकाल लेते हैं. ए प्लस बी डेफिनेटली इन पाँचों का सम होगा ना. ए प्लस बी नथिंग बट अ सम ऑफ 5 digits, राइट? Which is nothing but 25. अब a माइनस बी क्या क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है क्या? लुक एट द वैल्यूज. अगर मैं इसको इवन नंबर ले लूँ, सो वैन यू एड इट यू विल गेट 2a इज इक्वल टू समथिंग, तो वो तो ऑड आएगा, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है ना. बट 2a इज इक्वल टू समथिंग, दैट समथिंग हैज़ टू बी इवन नंबर, राइट? तो वो तभी सकता है जब ये ऑड नंबर हो. मतलब 11 तो पॉसिबल है, 11, 33, ये सब पॉसिबल है. 33 वैसे भी आउट है क्योंकि a माइनस बी 33 तो कहाँ से आने वाला है. सो कैन आई से द ओनली पॉसिबिलिटी इज 11. जीरो हो नहीं सकता. जीरो पे आपका 2a इज इक्वल 25 आ जाएगा, बट ऑड नंबर इसलिए पॉसिबल नहीं है. तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 11. तो उससे आपका a आ जाएगा 18 और b आ जाएगा 7. तो मुझे यहाँ पर तीन नंबर चाहिए जिनका सम 18 हो. द ओनली पॉसिबिलिटी इज 5, 6, 7 और इसके लिए 3, 4. मतलब इन तीनों पे 5, 6, 7 आएगा इन एनी ऑर्डर और यहाँ पर 3, 4 आएगा इन एनी ऑर्डर. सो ऑब्वियसली आपस में आप खेल सकते हैं. तो दिस कैन बी अरेंज इन 3 factorial ways, दिस कैन बी अरेंज इन 2 factorial ways. सो 6 × 2, दैट इज 12 विल बी योर आंसर. ठीक है, थोड़ा सा पी एंड सी, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल, उससे हमारा आंसर आ जाता है.